तो मैम फिरदौस और आपका बहुत बहुत स्वागत है कुक विद फिरदौस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए हूँ अंडा करी की ऐसी मजेदार रेसिपी, जो खाए वो खाता रह जाएगा। तो ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। इसके लिए आपको चार अंडों को लेना है, बॉईल कर लेना है और उसको बीच में से छोटे छोटे हम इस तरीके से जैसे मैं कट लगा रही हूँ आप लगा लीजिए। अब गैस पर एक पैन रख दीजिए, उसमें डालिए 2 टेबल स्पून ऑयल। जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 2 प्याज मीडियम साइज की ली थी जिन्हें स्लाइडली चॉप कर लिया है, वो ऐड कर दीजिए। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। साथ ही में इसमें ऐड कर दीजिए 2 टमाटर जिसको मैंने स्लाइडली कट कर लिया है, साथ ही में 2 हरी मिर्च। इनको अच्छा गुलाबी होने तक हमें फ्राई करना है। ये सारी मटेरियल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकालिए, ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब इसी बचे हुए तेल में हम अंडों को फ्राई कर लेते हैं। हमें अंडों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेसिपी को लाइक करिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हाँ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आने वाली कोई भी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ठीक है, हमारे सारे अंडे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ आपको एक बात नोट करनी है, हमें अंडे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने हैं वरना ये जल जाएंगे। अब इस बचे हुए तेल में ही हमें डालने हैं खड़े मसाले। यहाँ मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ते। अब इसमें ऐड कर दीजिए आप कुछ मसाले। यहाँ मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, साथ ही साथ 1/2 टीस्पून ऐड कर दीजिए आप इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए इसमें आप लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ क्योंकि हमने जो ग्राइंड करे है ना मसाले उसमें हरी मिर्च भी थी, तो यहाँ आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप और भी मिर्च ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड कर दीजिए प्याज टमाटर वाली प्योरी और इसको अच्छी तरीके से हमें दोस्तों भूनना है। यहाँ हम मिक्सर का जार भी इसमें डालेंगे पानी खंगाल करके, जिससे कि मसाला हमारा पूरा इसमें चला जाए, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हो। साथ ही साथ हमने यहाँ ऐड किया है 1 टीस्पून नमक और कसूरी मेथी रोस्ट की हुई। ये बहुत मज़ेदार अंडा करी बनेगी। दोस्तों एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है। सरफेस पर ऑयल आने तक आप उसको अच्छी तरीके से भून लीजिए दोस्तों। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अंडे और उसको डालकर भी आपको 5 मिनट के लिए भूनना है। और इसमें ऐड कर दीजिए इसका करी बनाने के लिए थोड़ी लिक्विडी, तो हम इसमें पानी ऐड करें। अगर आपको लिक्विडी नहीं पसंद है तो आप पानी नहीं ऐड करिए और इसको कवर कर दीजिए 5 मिनट के लिए। देखिए उबाला आ गया, हमारे अंडा करी जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये दोस्तों मज़ेदार अंडा करी तैयार है। अब इसमें ऐड कर दीजिए धनिया पत्ती। इसको खूबसूरत सी प्लेट में एक निकालिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करके खाइए। ऊपर से थोड़ा डेकोरेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर भी थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करने वाले हैं। दोस्तों ये मज़ेदार अंडा करी आपको कैसी लगी है बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।